आपने हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 2020-21 का रेलवे बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। रेलवे बजट 2020-21 के अंदर जो रेल मंत्री ने की पॉइंट घोषणा किया है वो मैं 2-3 मिनट के अंदर पढ़ लेता हूँ। द की अनाउंसमेंट एंड प्रपोजल्स रिलेटेड टू द रेलवे बजट 2020-21 रेवेन्यू, रेलवे रेवेन्यू फॉर 2020-21 इज एस्टिमेटेड एट द रुपीज 2,25,913 crores, विच इज ए 10% इंक्रीज फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2019-20 एक्सपेंडिचर। द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाई रेलवे फॉर 2020-21 इज प्रोजेक्टेड एट द रुपीज 2,19,413 crores, विच इज एन 8% इंक्रीज फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट 2019-20। द मेन पॉइंट इज रिलेटेड टू रेलवे सेटअप किसान रेल बिल्ड ए नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर दी पेरिसेबल आइटम इंक्लूडिंग मिल्क, मीट, फिश एट्सेट्रा, एक्सप्रेस एंड द फ्रेट ट्रेन्स विल हैव रेफ्रिजरेटेड कोचिस। रुपीज 100 lakh crore will be invested on infrastructure over the next 5 years. This will include projects on modernizing railway stations, metro and railway transportation and logistic and the warehousing. Large solar power capacity will be set up alongside the rail tracks on the land owned by the railway. Four railway stations redevelop projects and operation of the 150 passenger trains will be implemented through PPP model. More Tejas type trains will be introduced to connect iconic tourist destination. A 148-kilometer long suburban transport projects will be set up in Bangalore at the cost of 18,600 crores. तो ये मेन पॉइंट इस बजट के अंदर मैंने देखा है। मंत्री जी को मैं पिछले बजट के दौरान भी सुझाव दिया था और आज भी निवेदन मैं करता हूँ कि हमारी दोनों पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के, जब हमारे समय में रेल बजट पेश करते थे यूनियन यूपीए गवर्नमेंट 1 और 2 में, तो रेलवे बजट अलग अपन देते थे और रेल मंत्री अलग बजट पेश करते थे। ये सिस्टम आप जारी रखने के लिए मेरा निवेदन है, क्योंकि दोनों हाउस के जो मेंबर है ये मेंबर्स को जनरल बजट के अलावा उसके पास कोई रेलवे का 2-3 पैराग्राफ के अलावा रेलवे की कोई जानकारी जनरल बजट के बुक्स में आता नहीं है। रेलवे की तरफ से पिंक बुक है, पिंक बुक ब्लॉक वॉल्यूम ए एंड बी, तो ये खाली तुम बजट के साथ ये पिंक बुक दे दो, ऑल मेंबर्स को सर्कुलेट कर दो साथ में, तो अपने अपने रेलवे जोन वाइज अपने अपने स्टेट के कौन कौन प्रोजेक्ट आया, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, डबलिंग का है, इलेक्ट्रिफिकेशन का है, आर ओ बी ऐसे जो भी काम अंदर दिया गया है, कितना प्रोविजन रखा है, वो देखने के लिए हमारा निवेदन है कि अगले नेक्स्ट टाइम जब बजट
जनरल बजट के साथ करो, उसका कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमको जानकारी नहीं मिल रही है, अभी कुछ बोलना है कोई मेंबर्स को तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा विवरण आता नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि अलग पिंक बुक वॉल्यूम ए बी इलायदा दिया जाए, ये मेरी डिमांड है और मांग है। उसके साथ साथ मैंने ये बजट पढ़ा और बजट के अंदर मैं देख रहा हूँ, मैं रेलवे बोर्ड से लेता हूँ, रेलवे बोर्ड का भी आप लोग उसके साथ कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने का काम चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड मैनेज द एंटायर रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज रिलेटेड टू इट। द बोर्ड फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इंडियन रेलवे इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क अंडर वन सेंट्रल मैनेजमेंट। इट इज ए मोनोपोली इन द रेल सेगमेंट विथ प्राइवेट पार्टिसिपेशन सीन ओनली इन सर्टन एंसिलरी एक्टिविटीज बिसाइड्स रनिंग ट्रेन्स। इंडियन रेलवे ऑल्सो मैनेजेस वेरियस नॉन रिम्यूनरेटिव एक्टिविटीज सच एज रनिंग स्कूल्स हॉस्पिटल्स एंड एम्प्लॉयज एंड मैनेजिंग ऑफ रेलवे पॉलिसीज रेलवे फोर्सेज। तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि आपका जो पॉलिसी है, पॉलिसी मैंने देखा रिसेंट पॉलिसी अपडेट, उसमें आपने बताया है इन दिसंबर 2019 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड रिकग्नाइजेशन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑन फंक्शनल लाइन्स। द बोर्ड विल हैव ए चेयरमैन हु विल एक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है सीआरबी है, उसका भी नाम बदल के उसको भी हटाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये भी एक प्राइवेटाइजेशन का ही एक चक्कर लगता है। इट विल हैव ए फोर मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, थर्ड रोलिंग स्टॉक एंड फोर्थ फाइनेंस। द बोर्ड विल ऑल्सो हैव ए फ्यू इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन ए एडवाइजरी रोल। उसका मतलब क्या हुआ, रेलवे बोर्ड के अंदर हमारा जो 12-15 मेंबर्स अभी भी बैठते हैं और पूरा देश का रेल का कार्यभार संभालता है, और उसके अंदर भी कटौती करने का कोई विचार चल रहा है, ये मेरे को एक संदेह खड़ा कर रहा है। और इसलिए मैं बता रहा था कि रेलवे बोर्ड के साथ साथ जो जोनल में जीएम और डिवीजन में डीआरएम काम करते हैं, उसका पावर भी कट करने का कहीं सोच रहा है। इसलिए मैं बताता हूँ, इसमें आपने बताया है कि रेलवे जोन, इंडियन रेलवे हैव ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विथ इट्स ऑपरेशनल फील्ड यूनिट्स ऑर्गेनाइज्ड इन थ्री लेयर्स, जोन, डिवीजन एंड ऑपरेशनल यूनिट्स। व्हाइल द सेंट्रल नेटवर्क इज मैनेज बाय द रेलवे बोर्ड फॉर ईज ऑफ मैनेजमेंट। द नेटवर्क इज डिवाइडेड इंटू 17 जोन्स। दीज जोन्स हैव डेवलप्ड हिस्टोरिकली एंड नॉट स्ट्रेटेजिकली। ईच रेलवे जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ईच जोन इज हेडेड बाई जनरल मैनेजर्स। जोन आर फर्दर डिवाइडेड इंटू डिवीजन विच आर हैंडेड बाई डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM। अंडर द करंट डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर ऑफिसर्स इन एडवाइज डिवीजन आर हेल्ड अकाउंटेबल टू द DRMs हु इज इन टर्न रिपोर्ट टू द GM इन चार्ज ऑफ द जोनल लेवल। इसमें ये बताया गया है कि रेलवे के जनरल मैनेजर का जो पावर अलॉट किया था उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती करने का विचार लगता है।
और उसके साथ डिवीजन का जो डीआरएम का पावर है वो भी उसके अंदर उसका जो पावर है, तो काम जितना भी उसको जीएम को पावर दिया था, डिवीजन को पावर दिया था डीआरएम को, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ से रेलवे बोर्ड से सैंक्शन होके वहाँ जाता है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर तो वही है जोनल में और डिवीजन में, तो उसका पावर कट हो जाएगा, तो इन लोगों को यहाँ पर फिर बोर्ड में आना पड़ेगा, बोर्ड से वो प्रपोजल वापस सैंक्शन होकर जाएगी, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा और प्रोजेक्ट डिले होने की संभावना है। उसके साथ साथ रेलवे के अंदर आपने जितने भी प्रोजेक्ट, जैसे डायरेक्ट ओबेरॉय साहब ने बताया कि भी रेलवे के अंदर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, मैं आपको बताना चाहूँ कम से कम 20-25 साल से जो काम चल रहा है वो काम अभी तक चालू है, अभी तक जो पिछली 6-7 गवर्नमेंट ने शायद ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था उसको कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है, और आज आप बोल रहे हैं कि हम लोग उसको जल्दी ख़त्म करेंगे। कैसे जल्दी ख़त्म होगा? कम से कम 1,50,000 करोड़ रुपयों का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का खर्चा चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का खर्चा। और आपने एक पहले उसमें लिखा, इसलिए मैं पढ़ रहा था कि 1 करोड़ रुपया दिया है, 100 लाख यानी 1 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, दिस विल इंक्लूड प्रोजेक्ट्स ऑन मॉडर्नाइजेशन रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेलवे एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग। तो 1 करोड़ रुपये नेक्स्ट 5 साल तक कैसे चलेगा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ प्रिंटिंग में कहीं भूल हो गई। 1 करोड़ में 5 साल तक और 1,50,000 करोड़ का तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये प्रोजेक्ट खत्म कैसे होगा? तो ये एक बात मैं समझना चाहता था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से जो काम झड़प से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जितने भी रेलवे लाइन अनाउंस, नई रेलवे लाइन अनाउंसमेंट किया है उसका आगे कोई डीपीआर कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके साथ साथ रेलवे सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेलवे डिपार्टमेंट में, और उसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जितनी भी ओपन LC लेवल क्रॉसिंग है तो उसके ऊपर रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज बनाने का तुम्हारा आपका जो टारगेट था रेलवे बोर्ड का वो टारगेट के हिसाब से चल रहा नहीं है, तो ये काम कब तक ख़त्म करेंगे? क्योंकि उसकी वजह से गाड़ियां बहुत डिले होती है, एक्सीडेंट होता है, मानव संपदा के नुकसान होता है, एनिमल्स कट जाता है, और सबसे ज़्यादा जितना भी आपकी सबर्बन रेलवे है, बेंगलोर है, मद्रास है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, सबर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा मुनाफा भी रेलवे को मिलता है, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से ज़्यादा कोई उपाय नहीं किया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बॉम्बे के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क चलता है सबर्बन एरिया, सबर्बन ट्रेन चलती है, सुपरफास्ट स्लो ट्रेन चलती है, वहाँ पर हर रोज दो तीन चार आदमी वहाँ पर कोई ना कोई आम आदमी कट जाता है, मर जाता है, तो उसका प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फेंसिंग वॉल बनाओ, अगर तो दीवार बनाओ, और वहाँ पर आसपास में कोई पशु बैल गाय भैंस बकरी और आम जनता भी आसपास में ही रहते हैं बिल्कुल रेल ट्रैक के साथ में, तो उसका प्रोटेक्शन वॉल अगर तो कोई फेंसिंग वॉल ऐसा बना के वहाँ पर प्रोटेक्शन देना चाहिए ताकि मानव जानहानि भी ना हो और पशु भी कटेगा नहीं और ट्रेन स्मूथली चलेगी और लोगों को आपदा नहीं होगी। तो उसी हिसाब से सबर्बन एरिया का भी कोई ना कोई उसकी देखभाल करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ ये मैंने देखा यहाँ पर रेलवे का जो आपका वाईफाई सिस्टम, तो वाईफाई सिस्टम के अंदर भी आपने यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है वो इतने
टोटल 5628 रेलवे स्टेशन है और उसके अंदर वाईफाई सिस्टम जो लगाई है वो खाली 522 स्टेशन में है। इतना बड़ा देश के अंदर इतने बड़े बड़े ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास कैटेगरी के जो स्टेशन है, तो इस स्टेशनों के ऊपर देखभाल के लिए और उसके लिए ये वाईफाई की सिस्टम लगाई नहीं गई है और स्टेशन का पूरा एरिया कोई चोरी लूट फाट, अपनी आरपीएफ डिफेंस वो सर्विस दे रही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों का पर्स कट जाता है, लोगों का माल सामान की चोरी हो जाती है। तो ये सिस्टम सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई की सिस्टम ये भी लगाना चाहिए। तो उसी हिसाब से ये आपका जो प्रावधान रखा है लेकिन उसी हिसाब से ये काम नहीं चल रहा है। और मैं यही देख रहा था, ये आपने बताया कि तेजस ट्रेन चल रही है और नहीं चलाएंगे तेजस जैसी, और 150 ट्रेन आप लोग प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे दे दिया है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं पूरा निजीकरण की तरफ ये डाइवर्जन आप लोगों ने कर ही दिया है, क्योंकि पिछले बजट में भी यही बात किया था, अब की बार भी ये आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये रेलवे का खानगीकरण बहुत तेजी से, रेल तेजी से नहीं दौड़ेगी, खानगीकरण तेजी से दौड़ रहा है ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। क्योंकि ये देखा मैंने यहाँ पर आप लोग तो कोई मेरी समझ में नहीं आ रहा है, रेल गाड़ियाँ दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के नाम पे किसकी जिम्मेदारी है? 90 साल के उसके ऊपर दे देंगे 90 साल की लीज पे, तो लीज के बाद मैं नहीं रहूँगा, आप भी नहीं रहेंगे, 90 साल कौन जिया और कौन रहा, उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? रेलवे की प्रॉपर्टी ये तो फिर बाद में तो चली गई। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज के अंदर दूसरा भी ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। उसके साथ मैं ये भी पढ़ रहा था, तो आपके अभी यहाँ आपने बताया कि भी रेलवे एम्प्लॉयज उसके बच्चों के लिए स्कूल है और जितने भी एम्प्लॉयज है उसके लिए हॉस्पिटल है, मेडिसिन वहाँ पर पूरी मिलती है। ये मेरे को लगता है ये भी प्राइवेटाइज करने के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपने बताया है कि रेलवे एंगेजेस इन पेरिहेरल एक्टिविटीज दैट आर नॉन रिम्यूनरेटिव। उसमें लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम द कोर फंक्शन ऑफ द रनिंग ट्रेन्स, रेलवे ऑल्सो एंगेजेस इन पेरिहेरल एक्टिविटीज सच एज रनिंग स्कूल, क्या मतलब, रनिंग हॉस्पिटल, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, हाउसिंग फॉर स्टाफ, कैटरिंग एंड सिक्योरिटी। द कमिटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग रेलवे 2015 हैड नोटेड दैट सेवरल ऑफ दिस एक्टिविटीज आर नॉन रिम्यूनरेटिव एंड इम्पोज ए ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन इन ऑन रेलवे। इसलिए आप लोग उसको भी प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहे हैं ऐसा मेरे को लग रहा है। तो ये पूरी बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि आप रेलवे बजट जो दिया है, तो रेलवे बजट दिया तो उसके अंदर पूरा खानगीकरण तरफ जाने का, ले जाने का इरादा पक्का लग रहा है। और उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए ये कब से 10-15 साल से चल रहा है लेकिन उसमें से कोई रेलवे स्टेशनों की इतनी प्रगति में देख नहीं रहा हूँ कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन का रेलवे कहीं बना है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रेलवे का जितना भी सेफ्टी के लिए रेलवे बोर्ड के प्लानिंग के हिसाब से जितने रेलवे स्टेशंस आइडेंटिफाइड किया गया है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, एफ कैटेगरी, तो उसी हिसाब से हर स्टेट के अंदर जोनल वाइज कितने
एलसी अभी अनमेंड है और उसको रोड ओवरब्रिज रोड अंडरब्रिज बनाने के लिए कितना प्रावधान बजट में रखा गया है वो भी देखने की बहुत ज़रूरत है। और उसके साथ साथ पीआरएस स्टेशन, जितने भी पैसेंजर्स रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं तो उसके लिए पीआरएस स्टेशनों का पीआरएस सेंटर का भी प्रावधान रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी जानकारी में ये भी आया है कि ये प्रिंटिंग प्रेस अपना जो रेलवे का टिकट प्रिंटिंग करने का, रेलवे डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग करने का, वो भी आप उसको बैन कर रहे हैं। द फाइव प्रिंटिंग प्रेस इज लोकेटेड एट बाइकुला मुंबई सेंट्रल रेलवे, हावड़ा ईस्टर्न रेलवे, एसएसबी दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे, चेन्नई सदर्न रेलवे एंड सुरेंद्र सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे शुड बी क्लोज्ड बाय मार्च 2020। हाँ, ये बताया है प्रिंटिंग प्रेस एंड यूटीएस टिकट्स मनी वैल्यू आइटम्स शुड बी कंटिन्यूड इन द अबव फाइव प्रिंटिंग प्रेसेस विल कंप्लीट क्लोजर ऑफ द प्रेसेस। द प्रेस पासिस एंड पीटीओस शुड बी प्रिंटेड कवरिंग एंड रिक्वायरमेंट अप टू ईयर 2020-21। हाउएवर ऑल द प्रिंटिंग एक्टिविटीज शुड बी स्टॉप्ड बाय 31 मार्च 2020। तो ये भी बार प्राइवेट को देने के लिए तो सोच रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पर्टेनिंग टू गुजरात दो तीन प्रोजेक्ट की बात मैं करना चाहूँगा कि उसके अंदर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, पाटन भिल्डी न्यू लाइन है और 403 करोड़ 51 किलोमीटर की है। उसका काम 2018 में पूरा करना था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। छोटा उदयपुर धार, जहां मैं रहता हूं छोटा उदयपुर धार इंदौर, वो लाइन का काम 1,347 करोड़ 157 किलोमीटर मार्च 2022 तक खत्म करना है। लेकिन 22 तक खत्म करना कर ही नहीं सकते क्योंकि छोटा उदयपुर तक 100 किलोमीटर हुआ है, उसके आगे 250 किलोमीटर बाकी है। तो ये मेरे को संदेह है और ये प्रोजेक्ट दोनों ट्राइबल बेल्ट मध्य प्रदेश गुजरात का है, उसको जल्दी पूरा करके गरीब आदिवासी जनता को उसका लाभ मिले और वहाँ पर छोटी मोटी रोजगार की दुकानें भी लगे, लोगों को धंधा रोजगार मिले, ऑटो रिक्शा छगड़ा चला सके, ऐसा ये लाइन का मकसद है। और हमारे दोनों स्टेट के अंदर लोग मजदूर के लिए बाहर जाते हैं तो उसकी सुविधा के लिए ये लाइन रखी थी। सोमनाथ कोड़ीनार न्यू लाइन, भीमनाथ धोलेरा, दाहोद इंदौर, मौरासा साम्राज्य, तारंगा हिल और उसके साथ अहमदाबाद हिम्मतनगर, अहमदाबाद बोटाद, अहमदाबाद मेहसाना, भूज नलिया, मेहसाना तारंगा हिल, मियागाम करजन डबोई समलाया टिम्बार, धसा जैतलसर, केवड़िया, अभी वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में एक बड़ा स्टैच्यू वहाँ पर बन गया। तो ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड से लोग वहाँ पर आते हैं। तो उसको उसको जल्दी ये लाइन खत्म करें और वहाँ पर लोगों को, टूरिस्ट को ज़्यादा सुविधा मिले। इसी शब्दों के साथ आपने हमको इसी बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। उपसभापति, आप बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू वाइस चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।